Student, how are you? Welcome back to my YouTube channel Chemistry with Richa. Student, we are discussing unit of the class 11. It is a unit of classification of the element and periodicity in the properties. हम इसमें जो टॉपिक्स हैं ऑक्टेव रूल्स मेंडेल्स लॉ डिस्कस कर चुके हैं. इससे जो प्रीवियस की वीडियो है उसमें मैंने आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को वेल डिस्क्राइब किया हुआ है. आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फुली वीडियोस को आप देख सकते हैं. क्लास 11 की सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम दोनों यूनिट्स के आपके वेल डिस्क्राइब्ड वीडियो लेक्चर्स आपको क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे. वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं. सारे टॉपिक सीरीज वाइज है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पैटर्न है. चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. टुडे टॉपिक इज द जैसे कल मैंने बताया था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एटॉमिक नंबर यानी एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 100. जो आपके एटॉमिक 100 से जो ग्रेटर टाइप के जो एटॉमिक नंबर होते हैं उनका हम नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं चलिए देखते हैं. नोमेनक्लेचर करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि कुछ आपके डिजिट्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कुछ वैल्यू को प्रिफर करते हैं. हालांकि अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो उसमें जैसे लास्ट जो आपका पीरियडिक टेबल में दिया हुआ समय दिया होता है जैसे लास्ट में वो भी आपका क्या है 100 प्लस जो होता है एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट्स है. अब इसमें हर देखें तो इसमें हम मेनली तीन चीज लेते हैं. डिजिट्स प्रेजेंट इन द एटॉमिक नंबर कौन कौन से डिजिट प्रेजेंट है फिर न्यूमेरिकल रूट क्या होगा और उसके लिए हम एब्रिविएशन कौन सा यूज करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो अगर हम एटॉमिक रूट्स हम देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो स्टूडेंट अगर हम फर्स्ट के लिए देखें तो फर्स्ट के लिए हम यूज करते हैं आपका निल ठीक है और इसके लिए एब्रिविएशन हम यहाँ पर लगाते हैं एंड. वन के लिए हम यूज करेंगे अन जिसका एब्रिविएशन हो जाएगा यू ठीक है. सेकंड के लिए बाई जिसका हम एब्रिविएशन लगा देंगे बी. थर्ड के लिए ट्राई जिसका हम एब्रिविएशन लगा देंगे टी. फोर्थ के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज द क्वाड क्यू यू ए डी और जिसके लिए हम ये यूज करेंगे वर्ड दैट इज द क्यू. फाइव के लिए पेन जैसे नॉर्मल आप आईयूपीएसी में आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो उसमें आपका ट्राई के लिए टेट्रा लगाते हैं जब आपको यूनिट सम आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें जब आईयूपीएसी पढ़ेंगे तो उसमें आपके कुछ ही चेंज होंगे. टेट्रा के लिए टेट्रा यूज करते हैं. फाइव के लिए पेन इसको हम जो यूज करेंगे पी और सिक्स के लिए आपका हेक्स जिसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एच ठीक है और इसके लिए वर्ड हो जाएगा आपके लिए. सेवन के लिए हेप्ट हेप्ट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एस ठीक है और नाइन के लिए वर्ड होता है इम जिसके लिए हम एब्रिविएशन यूज करते हैं दैट इज द ई. तो ये एब्रिविएशन आपके सिर्फ से हो गए यानी फर्स्ट के लिए आप निल और वन के लिए अन टू के लिए बाई थ्री के लिए ट्राई फोर के लिए क्वाड फाइव के लिए पेंट सिक्स के लिए हेक्स सेवन के लिए हेप्ट एट के लिए ऑप्ट और नाइन के लिए एन. उसी का जो हम फर्स्ट लेटर लेके चलते हैं उसका स्मॉल लेटर एब्रिविएशन के रूप में हम यूज करते हैं. इसमें आपके एग्जाम्स में से 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली फ्रेम हो जाता है. ये 2 मार्क्स के में या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है. कई बार जो आपके एमसीक्यूज भी जो हो जाते हैं उसमें भी हम इसको फ्रेम कर सकते हैं. चलिए स्टूडेंट इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. अब हम एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं और इन एग्जाम्पल्स के साथ में कुछ बेसिक रूट्स आपको जो होते हैं रूट्स लेंगे किस तरह से इसका बनाते हैं या इसके बेसिक जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं वो पहले हम देख लेते हैं. अब देखिए पहले क्या होता है कि जो भी इसका रूट नेम होता है तो हम किसी भी वर्ड का अगर नोमेनक्लेचर करते हैं तो नोमेनक्लेचर करने के लिए तो हम वर्ड को यानी किसी भी एलिमेंट्स के नेम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. जो आपका फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द प्रीफिक्स और जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द सफिक्स. अब इसमें प्रीफिक्स जो यूज करते हैं जो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग हम इसमें प्रीफिक्स को डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, जो भी एटॉमिक इसमें नंबर आ रहा है। और सफेक्स हम कैसे लिखते हैं, सफेक्स जो आ जाता है इसमें ईएम आ जाता है, दैट इज अ मेन रूल। फिर उसके बाद अगर हम सेकेंडरी देखें तो जो फर्स्ट जो नंबर होता है दैट इज रिटन इन अ कैपिटल, तो जो फर्स्ट जो वाला होता है कैपिटल वर्ड ऑफ फर्स्ट वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू का जो लेटर होता है वो आपका कैपिटल में होता है, बाकी सब तो कैसे होते हैं स्मॉल में लिखते हैं, एंड ऑल आर रिटन टूगेदर, तो सारे जो वैल्यू होती हैं उसको हम एक साथ मिलके लिखते हैं। अब अगर एग्जाम्पल के थ्रू देखो, देखिए मैंने आपको समझा लिखा है यहाँ पे शॉर्ट में लिख के रखा है ताकि आप इजीली नोट्स बना सके या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सके। और स्टूडेंट अगर आपको वीडियोस को आगे तक देखना है या टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपके पास प्रॉपरली हर वीडियो के फिर नोटिफिकेशन प्रॉपरली टाइम टू टाइम आते रहते हैं, ठीक है, जिससे आपको कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। और अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप उस वीडियो को वापस से देख सकते हैं, और जैसे भी आपको लगता है कोई सजेशन चाहिए या कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, मैंने फर्स्ट एग्जांपल किया 101, 101 के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो फर्स्ट हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, फर्स्ट के लिए हमने लिखा है अन, तो मैं अन को लिखूंगी कैपिटल में। फिर जीरो के लिए क्या यूज करा था मैंने अन निल, फिर वन के लिए फिर से मैं वर्ड यूज करूंगी अन, और सफिक्स लास्ट में लगा दूंगी ईएम, तो दैट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अन निल अनियम, ठीक है, दैट इज अ नेम अन निल अनियम। और इसका जो साइन जो होगा दैट इज अ यू, फिर दूसरा एन और यू, जो इसके हम साइन जो इसमें से बनाएंगे। अब सेकेंडरी अगर मैं देखूं तो 100 का, तो इसका हो जाएगा फिर से आपका अन निल एंड बाई यम, अन निल बाई यम, तो उसका साइन हो जाएगा यू एन एंड बी। देखिए बहुत ही ईजी है, कोई जरूरत टफ नहीं है, बस हल्का सा आप एक बार समझ लेंगे तो आप इसको बहुत इजीली और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब फिर हम देखते हैं, मैंने फिर लास्ट स्किप कर दिए बीच के दो, अब 103 और 104 एंड 105 का आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। 103 का क्या हो जाएगा अन निल ट्राइनम, और इसका 104 का अगर हम देखें, देखिए आप ओरली भी निकाल सकते हैं, इतना इजी है, अन निल क्वाड्रियम, और 5 का अन निल पेंटियम, 105 का उसी के अकॉर्डिंग हम वहां पे साइन लिख देंगे। अब हम देखें 106 का, तो दैट इज अन निल और हेक्सियम, ठीक है, इसका साइन क्या रहेगा यू एन एच। अब इसका हम देखें साइन इसका अन निल हेप्टियम, क्या साइन मिल जाएगा 70, मैंने बताया था कौन सा यूज करते हैं हम एब्रिविशन एच को यूज करते हैं, तो इसका साइन हो जाएगा आपका यू एन एंड एस सेप्टियम से। अब हम आगे देखते हैं, ये तो आपके थे, चलिए फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ अगर 112 या 130 अगर आपका कंपाउंड्स है तो उसका हम नॉमिनेचर फिर किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं देखती हूँ, लेट्स सी इफ योर कंपाउंड एटॉमिक नंबर इज 120, ठीक है, तो हम किस तरह से वर्ड यूज करेंगे, तो फर्स्ट के लिए हम यूज करते हैं अन, फिर इसके लिए आ जाता है आपका टू के लिए अन बाय, है ना, और फिर जीरो के लिए आ जाएगा आपका निल, और फिर लास्ट में सफेक्स जो जोड़ना होता है हमें ईएम, तो 120 क्या हो जाएगा अन निल बाय एम, और इसका साइन क्या हो जाएगा दैट इज अ यू बी एंड एन, ठीक है। अब अगर मैं देखूं सेकेंड पे 118 का, क्या साइन हो जाएगा 118 का, देखिए अन अन, अब दो बार वर्ड आ रहा है अन अन, तो हम फिर इसको लिखेंगे अन अन, ठीक है, एट के लिए ऑप्ट, और फिर सफेक्स जो पीछे से लगाएंगे दैट इज अम, देखिए फर्स्ट के लिए एक बार फर्स्ट है तो अन, फिर दोबारा से वन है तो अन, फिर एट आ गया तो ऑप्ट, एट आ गया तो ऑप्ट आ गया, फिर लास्ट में सफेक्स लगा दिया हमने ईएम, तो इसका साइन जो नाम हो जाएगा अन अन ऑप्टियम, कुछ भी करना वन वन वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप इसको याद कर लेना, फिर इसको पुट ऑन करते चलना, और लास्ट में सफेक्स आई एम आई यू
सब में जुड़ेगा, तो इसका साइन अगर मैं लिखूंगी तो इसमें यू यू और हु, ठीक है, ये इसका साइन हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं लिखूंगी 126 क्या हो जाएगा इसका, अन बाई बाई यम, ठीक है, साइन इसका यू बी बी, ठीक है। तो ये तो थे आपके 100 प्लस जो आपके एटॉमिक नंबर्स के एलिमेंट्स हैं उनके आईयूपीएसी निकालने की फॉर्म्स। बाकी आपको बुक्स में बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उसके एटॉमिक नंबर्स की फॉर्म्स मिल जाएंगे। चलिए मैं दिखा देती हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं जिनके मैंने आईयूपीएसी जो है जो अकॉर्डिंग टू पीरियड टेबल है वो है लिए हुए हैं। और अब इसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी कि आप उसका हम नॉमिनेशन किस तरह से करेंगे। अब देखिए 118 दैट इज नेम द ऑग्ने सम, ऑग्ने सम को सिंबल होता है पीरियड टेबल में ओजी से डिनोट करते हैं और इनर्ट गैस का एलिमेंट होता है सबसे लास्ट में, यानी ग्रुप आपका 8 का टी का एलिमेंट होता है, ठीक है। टेलिसियम टीएस ये ग्रुप 17 का एलिमेंट है आपका। एंड 116 लिवरमोरियम जिसको हम एलबी से डिनोट करते हैं, इट इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, ठीक है 116। अब जैसे हालांकि हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था इसका, तो फर्स्ट का हम वर्ड यूज करते हैं अन अन और लास्ट में आपका ऑक और सफेक्स हम लगा देंगे ईम, तो इसके लिए वर्ड यूज जाएगा अन अन ऑक्सियम और साइन कौन सा जाएगा इसके लिए हम देखेंगे तो यू यू ओ। अब टेलिसाइन के लिए अगर हम बोलेगा 117 के लिए तो इसके लिए सिर्फ वही अन अन सेप्टियम और वर्ड इनके लिए जाएगा यू यू एस, ठीक है। अब अगर हम देखें 160 के लिए, ठीक है, अन अन हेक्सियम सिंपल कौन सा आ जाएगा, यू कैपिटल में यू स्मॉल में यू एंड एच, ठीक है। चलिए स्टूडेंट ये थे हमारे आपके नॉमिनेचर ऑफ द कंपाउंड्स द मोर देन हैविंग द मोर देन 100 एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ट्रिक्स हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल को किस तरह से लर्न किया जाता है एंड इट इज अ रियली बेसिक कंसेप्ट। अगर आप देखेंगे सबसे टफ होता है स्टूडेंट के लिए पीरियोडिक टेबल याद करना, लेकिन मैं आपको इतनी ईजी अच्छे से ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आप पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से याद कर सकें और जो भी मैं उसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाऊँ तो बहुत याद आप वही लिख लीजिएगा, अदरवाइज उससे आइडिया लेके या उससे इंस्पायर होकर आप अपने लिए नए फॉर्मूलाज जो बुक्स हैं वो उनको फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि आगे आप जो पढ़ेंगे 11th या 12th में जो भी आपके चैप्टर्स होंगे टॉपिक्स होंगे उसमें पीरियडिक टॉपिक टेबल का लर्न होना इट इज रियली कंपल्सरी, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारी चीजें एक साथ देख सकते हैं। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें लाइक करें, थैंक यू सो मच, स्टे वॉच एंड स्टे कनेक्टेड।